राष्ट्रीय पर्व पर हर एक व्यक्ति को अपने तरीके से मनाने का हक होता है, और हो भी क्यों ना, हमारा देश इस बात की आज़ादी हर एक व्यक्ति को देता है, चाहे वे आम व्यक्ति हो या कोई कर्मचारी। लेकिन क्या हो अगर एक फरमान आपको ऐसा करने से रोक दे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिंडोरी की, जहाँ कलेक्टर विकास मिश्रा के तुगलकी आदेश पर जनपद पंचायत महतवानी के CEO चेतन पाटिल द्वारा जीवो गरीब आदेश जारी किया है। राष्ट्रीय पर्व हर एक व्यक्ति को अपने तरीके से मनाने का हक होता है, और हो भी क्यों ना, हमारा देश इस बात की आजादी हर एक व्यक्ति को देता है, चाहे वे आम व्यक्ति हो या कोई सरकारी कर्मचारी। लेकिन क्या हो अगर एक फरमान आपको ऐसा करने से रोक दे? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डिंडोरी की, जहाँ कलेक्टर विकास मिश्रा के लिखित तुगलकी आदेश पर जनपद पंचायत महदवानी के CEO चेतन पाटिल द्वारा अजीबो गरीब आदेश जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने ये निर्देशित किया है कि ग्राम पंचायत को प्राप्त होने वाली शासकीय राशि का उपयोग 26 जनवरी के लिए नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय पर्व की अवहेलना करते हुए किसी भी प्रकार के आयोजन और विज्ञापन जारी करने पर भी रोक लगाने का आदेश जारी किया है। अब जनपद पंचायत CEO के द्वारा ऐसा आदेश जारी करने के पीछे की क्या वजह है, ये भी समझ लीजिए। दरअसल 20 जनवरी को कार्यालय कलेक्टर डिंडोरी के सभागार में शासकीय योजनाओं के विषय में चर्चा हेतु पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया था। कलेक्टर द्वारा शासकीय अमले को निर्देश दिए गए कि राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरह का शुभकामनाएं संदेश कोई भी अधिकारी कर्मचारी मीडिया को नहीं देगा। कलेक्टर साहब यहां तक भी नहीं रुके, उन्होंने यह भी कह डाला कलेक्टर के सरकारी कार्यक्रमों में पत्रकारों को आने की आवश्यकता ही नहीं है। कलेक्टर के तुगलकी फरमान को सुनते ही जिले के सभी पत्रकारों ने नाराज हो गए और प्रेस वार्ता का बहिष्कार कर मीटिंग छोड़कर चले गए और कलेक्टर साहब देखते रह गए। इसके बाद सभी पत्रकारों ने पत्रकार भवन में बैठक कर आपसी सहमति से निर्णय लिया कि शासन की व राजनीतिक दल भाजपा की खबरों का बहिष्कार करेंगे। इसके बाद आक्रोशित पत्रकारों ने जिला कलेक्टर पहुंचकर राज्यपाल के नाम SDM बलवीर रमण को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों ने ज्ञापन के प्रति भाजपा कार्यालय जिला अध्यक्ष अवध राज बिलेया को ज्ञापन देते हुए आक्रोश व्यक्त किया। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष सहित मुख्यमंत्री शिवराज सरकार तक बात को पहुंचाने की बात कही है। डिंडोरी से मिर्जा खान की रिपोर्ट।